अच्छा इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, संबोधन कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जेल में डालने से जेपी मुरारजी भाई, अडवाणी जी, अटल जी सबके हौसले पस्त होंगे, मगर 1942 में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग की जेल जिसको न रोक सकी, वो जयप्रकाश को इंदिरा जी की यातना न रोक पड़ी। जब इमरजेंसी उठी, जेपी ने पूरे विपक्ष को एक किया और उसके बाद देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का काम मित्रों जयप्रकाश नारायण ने किया। उस वक्त पहली बार जेपी ने जनसंघ को भी साथ में लिया और सत्ता के बाहर रहकर परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने दिया मित्रों तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है, 8 साल से जो जयप्रकाश के सिद्धांत थे, विनोबा के सिद्धांत थे, सर्वोदय के, वो सर्वोदय के ही नारे को मोदी जी ने अंत्योदय के साथ जोड़कर गरीब कल्याण की एक नई पीठिका शुरू की। देश के 7 करोड़ गरीबों को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य का बीमा देना, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, 2.5 साल तक हर गरीब को फ्री राशन देने का काम करना, हर घर में बिजली पहुंचाना, हर गांव में बिजली पहुंचाकर हर गांव को रोड के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों मैं बहुत छोटा था, मैंने एक नारा सुना था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश, और उसी नारे पर गुजरात और बिहार के युवा एकत्रित होकर सत्ता परिवर्तन करे थे, मगर जेपी ने साथ में संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति के नारे को किसी भी कांग्रेस जी ने सफल बनाने का यत्न नहीं किया। संपूर्ण क्रांति के नारे को सफल बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। नरेंद्र